नागलवाड़ी पुलिस को अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मिली बड़ी सफलता। जबलपुर निवासी व्यक्ति को मैं हथियारों के साथ पकड़ा की कार्रवाई। मंगलवार नागलवाड़ी थाने की बालसमंद पुलिस चौकी टीम ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस के द्वारा मुखबिर सूचना पर एबी रोड पर राजा ढाबे के सामने चौकी क्षेत्र से थाना नागलवाड़ी पुलिस ने आरोपी तुषार उर्फ सोरो केसवानी पिता सुरेंद्र केसवानी उम्र 20 साल निवासी सरकारी कुआं ईस्ट करिया पत्थर हनुमानताल जबलपुर के पास एक रंगीन बैग में रखी एक देसी पिस्टल एक नग जिंदा कारतूस तथा 12 बोर के 5 नग देसी कट्टे जिनकी कीमत 35,200 रुपए बताई गई है उसे जब्त कर जबलपुर निवासी आरोपी तुषार उर्फ सौरभ को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने में विशेष भूमिका थाना प्रभारी विनोद कुमार बघेल सहायक उप निरीक्षक संजय शर्मा चौकी प्रभारी ओजर व पुलिस टीम की रही है। कल चौकी प्रभारी ओजर शर्मा जी को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध रूप से कट्टा लेके घूम फिर रहा है, जिस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर हमारा स्टाफ चौकी यहाँ पहुँचे जहाँ पे एक व्यक्ति झोले में लेकर कट्टा लेके घूम रहा था संदिग्ध अवस्था में, जिसकी झोले की तलाशी ली तो झोले में उसके 5 कट्टे और एक पिस्टल और एक कारतूस मिला, जिसकी जब्ती कार्रवाई की गई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गुणवत्ता विहीन सड़क निर्माण को लेकर नगरवासियों में आक्रोश। खेतिया नगर की गांधी चौक से मराठा मंगल भवन तक बनाई जा रही सड़क के निर्माण में अनियमितता का मामला सामने आया है। दरअसल नगर में पिछले कई वर्षों से सड़कें खराब हैं, वहीं नगर पंचायत खेतिया के द्वारा बुलाए टेंडर स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य भी शुरू हो गया, लेकिन ठेकेदार द्वारा टेंडर के निर्धारित मापदंडों के विपरीत घटिया सड़क का निर्माण किया जा रहा है, यह आरोप नगरवासियों ने लगाए हैं। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण के निर्धारित मानकों की अनदेखी की जा रही है, वहीं कच्चे बेस में मानकों की अनदेखी के साथ ही पक्की सड़क की मोटाई में भी अनियमितता बरती गई है। बड़वानी कोतवाली पुलिस ने जुए की फड़ पर दबिश देकर 6 लोगों को जुआ खेलते रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिनसे 33,000 रुपए जब्त कर जुआ एक्ट में कार्रवाई की गई है। कोतवाली थाना प्रभारी विकास कपीस के नेतृत्व में थाना पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर जिले के भौती पेट्रोल पंप के पीछे पहाड़ी पर चल रहे जुए पर दबिश दी, जहां से 6 लोगों को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़कर उनके विरुद्ध धारा 13 जुआ एक्ट में कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस ने जुआ खेल रहे लोगों से 33,000 रुपए व अन्य जब्त किए हैं। जैसा कि हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दीपक कुमार शुक्ला द्वारा सभी थाना प्रभारी को निर्देशित कर रखा है कि जिले में जितने भी अवैध जुए और सट्टे संचालित हो रहे हैं उन पर पूर्ण रूप से और प्रभावी कार्रवाई कठोर कार्रवाई करें। इसी के पालन में हम लोगों को आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम भौती पेट्रोल पंप के पीछे की जो पहाड़ी है वहाँ पर कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। हम लोगों ने पुलिस थाना कोतवाली की एक टीम तैयार की और हम लोगों ने वहाँ पर पकड़ा और कुल 6 लोगों को रंगे हाथ जुआ खेलते पकड़ा। इनके पास से हम लोगों को ताश के 52 पत्ते और कुल 33,200 रुपये मिले हैं, जिन्हें हमने जब्ती में लिया है। इन लोगों के विरुद्ध हम लोगों ने 13 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसे न्यायालय पेश किया जाएगा।